हेलो गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप्स में सिर्फ और सिर्फ ऐप्स को डाउनलोड करते होंगे या फिर ऐप्स को अपडेट करते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के प्ले स्टोर ऐप्स में 5 ऐसा खुफिया सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जो कि अगर आप लोग अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आप लोगों का मोबाइल ना तो लैग करेगा और ना ही हैंग करेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का मोबाइल का डाटा भी बचेगा। तो उन सेटिंग्स को करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिना स्किप किए। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। चलो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में 5 सेटिंग्स करना है जिससे आप लोगों का मोबाइल ना तो लैग करेगा और ना ही हैंग करेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का मोबाइल का डाटा भी बचेगा, ठीक है। तो उन सेटिंग्स को करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप्स में चले जाना है, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फिर आप लोगों को प्ले स्टोर में अपने अकाउंट पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक एरो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहीं पे वो 5 सेटिंग्स को करना है, ठीक है। तो उन सेटिंग्स को करने के लिए पहला सेटिंग्स तो आप लोगों को करना है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे, ठीक है। तो आप लोगों को मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला ऑप्शन हमारा ओवरव्यू का और दूसरा ऑप्शन मैनेज का, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने मतलब कोई 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा इंस्टॉलेड का, और दूसरा ऑप्शन है हमारा अपडेट अवेलेबल का, और तीसरा ऑप्शन है हमारा गेम्स का, और चौथा ऑप्शन है हमारा आर्चिव का, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है इंस्टॉल का, उस इंस्टॉल में आपको एक नीचे की ओर एरो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को उस एरो पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा इंस्टॉलेड का, और दूसरा ऑप्शन नो इंस्टॉलेड का, ठीक है। तो आप लोगों को नो इंस्टॉलेड पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है पता है? आप लोगों को अपने मोबाइल का डाटा ऑन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से आपको इसको हटा देना है, और यहाँ से आपको ट्राई अगेन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जैसे ट्राई अगेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारा ऐप्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऐप्स देखने को मिल जाएगा। तो ये सब ऐप्स वो हैं जो आप लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करके वापस से डिलीट कर दिए थे, तो ये वही ऐप है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करके जब उस ऐप्स को डिलीट करते हो तो आप लोगों को लगता है कि हमारे मोबाइल से वो ऐप्स जो है डिलीट हो चुके हैं, हमको उस ऐप को फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप लोग अपने मोबाइल से किसी भी ऐप्स को अनइंस्टॉल करते हो तो उसका एक बैकअप बन जाता है, और बैकअप बन जाने से आपके मोबाइल के स्टोरेज में वो चला जाता है, जिसके कारण आपका मोबाइल का स्टोरेज जो है भर जाता है, और उससे हमारा मोबाइल जो होता है लैग या फिर हैंग करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐप्स हैं ना आप लोगों को दिख रहा है, ये सब ऐप्स आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ से भी, ठीक है। तो ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस ऐप्स के जो साइड में बॉक्स दिख रहा है खाली सा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है।
और क्लिक आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो उसमें एक ब्लू कलर का टिक लग जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग को यानी मतलब कि कोने में एक कटआउट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लू कलर में, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा कैंसिल का और दूसरा ऑप्शन रिमूव का, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है बल्कि रिमूव पे क्लिक करना है। और रिमूव करने से यहाँ से जो ऐप है ना वो हटेगा नहीं, मतलब कि हटेगा और आपके मोबाइल में जो बैकअप बना इस ऐप्स का तो वो यहाँ से हट जाएगा, आपके मोबाइल का स्टोरेज से वो हट जाएगा, जिससे आपके मोबाइल का स्टोरेज मतलब कि कम होगा और उससे आप लोग का मोबाइल जो होगा अच्छा से मतलब कि स्मूथ चलने लगेगा, ठीक है ना, तो लैग करेगा और ना ही हैंग करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ना वो ऐप्स जो है यहाँ से हट जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको एक एक यानी एक एक करके सभी ऐप्स को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी और किसी ऐप्स को कर देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से आप लोग किसी भी मतलब सारे ऐप्स को मतलब कि कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना मतलब कि देखने को मिलेगा कितना MB का वो बैकअप बना चुका है। जैसे कि मैंने इतने ऐप को सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पे 252 MB का बैकअप बना रखा था और जो हमारे मोबाइल के स्टोरेज में सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सभी ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ बारी बारी से एक एक करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी ऐप्स को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इन ऐप्स को रिमूव करने के लिए फिर से आपको कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको कैंसिल नहीं करना है बल्कि रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है ना एक भी ऐप देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो ऐप्स हमारे बैकअप में बना हुआ था, हमारे मोबाइल में बना हुआ था, वो बैकअप्स जो है यहाँ से हट चुके हैं। फिर आप लोग अपने मोबाइल का स्टोरेज चेक कर सकते हो, वहाँ से आपका स्टोरेज जो है कुछ खाली हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेटिंग्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर आप लोग को ना यहाँ पे मतलब कि नो इनस्टॉल के बगल में गेम्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हमने तो सभी ऐप्स को डिलीट कर दिया था, लेकिन अगर आप लोग इन सब ऐप्स को डिलीट नहीं करोगे तो यहाँ पे मतलब कि आप लोग अपने मोबाइल में कोई सा भी गेम्स को मतलब कि डाउनलोड करते हो ना, जैसे कुछ भी कार का या फिर बस का मतलब कि कोई सा भी गेम अगर आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो और उस ऐप्स को वापस से डिलीट कर देते हो तो यहाँ पे वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो चेक कर लेना है, बट मैंने तो सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आपको भी इसी प्रकार से सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। तो अब हमारा पहला सेटिंग्स जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलो दूसरे सेटिंग्स को करते हैं। तो दूसरे सेटिंग्स को करने के लिए आपको बैक जाना है यहाँ से, और बैक जाने के बाद फिर से आपको अपने अकाउंट पे चले जाना है, और अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा सेटिंग्स करना है, ठीक है। तो वो हमारा दूसरा सेटिंग्स है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्ले प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको प्ले प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने नो हार्मफुल एप्स फाउंड का, ठीक है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और नीचे में आपको एक स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन इसलिए करना है कि अगर आप लोगों के मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं अगर उन ऐप्स में कोई ख़राबी आती है या फिर कोई सेटिंग्स मतलब कि बिगड़ जाता है, ठीक है, तो अगर आप लोग स्कैन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे वो ऐप आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपके मोबाइल में सभी ऐप सौर हैं यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना स्कैनिंग इन प्रोसेस यानी कि हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस हो भी गया। नीचे में आपको एक मतलब कि कुछ आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है प्ले प्रोडक्ट स्कैनिंग मोमेंट्स एगो, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं वो मतलब कि बिल्कुल सही हैं, सौर हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेटिंग्स हो गया, ठीक है।
तो चलो अब तीसरे सेटिंग्स को करते हैं। तो तीसरे सेटिंग्स को करने के लिए आपको बैक जाना है यहाँ से, और फिर से आपको अपने अकाउंट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरा सेटिंग्स करना है, ठीक है। तो उन तीसरे सेटिंग्स को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे नीचे में सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको वो तीसरा सेटिंग्स यहाँ करना है, ठीक है। तो वो तीसरा सेटिंग्स है नेटवर्क परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ना आप लोगों को नीचे में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है, और आप लोग जैसे ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा ओवर एनी नेटवर्क का, और दूसरा ऑप्शन है हमारा ओवर वाईफाई ओनली का, और तीसरा ऑप्शन हमारा आस्क मी एवरी टाइम का, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने मोबाइल में ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक करते हो तो आप लोग अपने मोबाइल में जब भी नेटवर्क को ऑन करोगे तो आप लोगों के मोबाइल में ऑटोमेटिक ऐप जो है ना कोई सा भी ऐप डाउनलोड होने लगेगा, जिससे आप लोगों का मोबाइल का नेटवर्क जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग अपने मोबाइल में ओवर वाईफाई को सेलेक्ट करते हो तो आप लोग अपने मोबाइल में मतलब किसी भी वाईफाई से अगर कनेक्ट रहोगे तो आप लोगों के मोबाइल में ऑटोमेटिक ऐप डाउनलोड होने लगेंगे, ठीक है। और फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है एस्क मी एवरी टाइम, और अगर आप लोग एस्क मी एवरी टाइम पे क्लिक कर यानी कि सेट करते हो तो आप लोग अपने मोबाइल में मतलब नेटवर्क ऑन करके या फिर वाईफाई ऑन करके किसी मतलब कि कुछ भी चलाओ आपका मतलब आपके मोबाइल में ऐप जो होगा डाउनलोड या डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को तीसरे नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, एस्क मी एवरी टाइम, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आप लोगों को ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा तीसरा सेटिंग्स भी हो चुका है, ठीक है। अब हमें चौथा सेटिंग्स को करने के लिए कहीं नहीं जाना है, यहीं पे वो चौथे सेटिंग्स को करना है, ठीक है। चौथे सेटिंग्स को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है ओवर एनी नेटवर्क का, और दूसरा ऑप्शन ओवर वाईफाई ओनली का, और तीसरा ऑप्शन डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने मोबाइल में ओवर एनी नेटवर्क को सेलेक्ट करते हो और जब अपने मोबाइल का नेटवर्क ऑन रखोगे तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक ऐप जो है अपडेट होने लगेगा, जिस ऐप का अपडेट आ रखा होगा, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा ऑप्शन ओवर वाईफाई ओनली का। तो अगर आप लोग अपने मोबाइल में ओवर वाईफाई ओनली को सेलेक्ट करते हो यानी कि अपने मोबाइल में किसी भी वाईफाई से कनेक्ट रहते हो, तब आप लोग अपने मोबाइल में किसी भी चीज़ को चलाते हो तो आपके मोबाइल का ऐप जो होगा ऑटोमेटिक अपडेट होने लगेगा, ठीक है। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का। और अगर आप लोग अपने मोबाइल में डोंट ऑटो अपडेट को सेलेक्ट करते हो यानी कि अगर आप लोग अपने मोबाइल का डाटा ऑन रखो या फिर अपने मोबाइल में किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो तो आप लोग अपने मोबाइल में किसी भी चीज़ को चलाओ बिल्कुल बेफिक्र आपके मोबाइल में ऑटो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को तीसरे नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि सेलेक्ट कर दिया है, फिर यहाँ पे आप लोगों को ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद हमारा चौथा सेटिंग्स भी हो चुका है। अब हमें पांचवा सेटिंग्स को करने के लिए कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हमें पांचवा सेटिंग्स को करना है, ठीक है। तो हमारा पांचवा सेटिंग्स है ऑटो प्ले वीडियोज, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियोज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा ऑटो प्ले वीडियोज एट एनी टाइम, और दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑटो प्ले वीडियोज ओवर वाईफाई ओनली, और तीसरा ऑप्शन है हमारा डोंट ऑटो प्ले वीडियोज, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने मोबाइल में ऑटो प्ले वीडियोज एट एनी टाइम को सेलेक्ट करते हो यानी कि अगर आप लोग अपने मोबाइल में नेटवर्क को ऑन करके प्ले स्टोर से किसी भी ऐप्स को मतलब कि डाउनलोड कर रहे हो तो उसके नीचे जो होता है ना उस ऐप्स को मतलब कि यूज करने के लिए हमें वीडियो एक दे देता है कि हमें कैसे कैसे उस ऐप्स को यूज करना है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है ना ऑटोमेटिक चलने लगेगा, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हो। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन ऑटो प्ले वीडियोज ओवर वाईफाई ओनली, ठीक है।
तो अगर आप लोग अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके किसी ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके नीचे में जो है ना वीडियो चलता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है ऑटोमेटिक चलने लगेगा। फिर हमारा है तीसरा ऑप्शन, डोंट ऑटो प्ले वीडियोज, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सेलेक्ट करते हो तो अपने मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके ऐप्स को डाउनलोड करो या फिर अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके ऐप्स को डाउनलोड करो, वो वीडियो जो है ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डोंट ऑटो प्ले वीडियोज को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप लोगों को ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा पाँचों सेटिंग्स जो है मतलब कि हो चुका है, ठीक है। फिर आपको बैक जाना है और आपका मोबाइल में मतलब कि आपके मोबाइल का स्टोरेज जो है काफ़ी मतलब कि कम हो गया होगा और आपका मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत ही बचेगा इन सब सेटिंग्स को करने के बाद, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल का नेटवर्क बहुत ही मतलब कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।